हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विद पीडीएफ के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग कर रहे थे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, इसका पार्ट 4। मैं हूं अर्चना सिंह और आज शुरू करूंगी आगे का लेसन पार्ट 4, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की बुक। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। ये आप देख सकते हैं पूरा जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं। सामाजिक सुधार देखे थे, स्त्रियों की दशा में हमने सुधार देखे थे कौन कौन से थे। फिर हमने उसके बाद देखा था कि जातिगत क्या क्या सुधार हुए थे, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के संवैधानिक क्या सुधार हुए थे। उसके बाद हमने ये लिस्ट बनाई थी कि सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक, धार्मिक और सुधार आंदोलन, उनके नेता। तो ये लिस्ट है सारी, तो आज हम लोग करेंगे इन्हीं के बारे में, कौन कौन से नेता देखते हैं हम लोग। चलिए आगे, ये इतने सारे हैं, हमें सारे कंप्लीट करने हैं। तो आज के जो पहले हमारे नेता हैं वो हैं राजा राम मोहन रॉय, जिनके जो आंदोलन था उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था और उसी के थ्रू उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो राजा राम मोहन रॉय है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यहाँ जो मैंने दिए हैं ये सारे पॉइंटर्स दिए हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एज अ फैक्ट प्री के लिए याद कर सकते हैं और मेंस के लिए आप पूरा एक आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं जो जो मैंने फैक्ट दिए हैं। और इसमें ओवरऑल सारे फैक्ट्स हैं, कोई भी इसमें ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमने यहाँ छोड़ दिया है। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनके द्वारा जो स्थापित समाज था वो ब्रह्म समाज था, और जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, तो अंग्रेजी विचारों पर आधारित था, और हिंदू धर्म का इसे पहला सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन रॉय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जो समानता का सिद्धांत था उसमें विश्वास रखते थे। वे एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार, इसके नाम से एक पुस्तक लिखी थी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा था कि वेदों और उपनिषदों को जो उन्होंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, और उन्होंने इसके बंगाली अनुवाद भी लिखे थे और कहा था कि प्राचीन हिंदू जो धर्मशास्त्र है वो भी एकेश्वरवाद पर ही विश्वास रखता है, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। 1814 में कलकत्ता में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी तथा उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता और जो रीति रिवाज थे जिनका कोई मान्यता नहीं थी, और अन्य सामाजिक बुराइयों की भी इन्होंने कटु आलोचना की थी। एकेश्वरवादी के ये कट्टर समर्थक थे और इन्होंने स्पष्ट किया था कि वे सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्म की उन बातों को भी ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। उनके विचारानुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन और रीति रिवाज का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीजस नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट एक बुक है उसके नैतिक और दार्शनिक संदेशों को चमत्कारी कहानियों से पृथक करने का यहाँ प्रयास किया था। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की थी, और उन्होंने ईसाई धर्म के अनेक गलत रीति रिवाजों को भी लोगों के सामने रखा था। हिंदू धर्म ही नहीं, उन्होंने ईसाई धर्म के भी गलत, किसी भी धर्म के गलत रीति रिवाजों को उन्होंने सबके सामने रखा था। अगर उन्होंने ये सब काम किया था, जब उन्होंने ये काम किया प्रीसेप्ट्स ऑफ जीजस नाम लिख के ईसाई धर्म की जो बुराइयाँ उन्होंने सामने रखी, तो उससे ईसाई मिशनरी को गुस्सा झेलना पड़ा था उन्हें, और कई ईसाई मित्र जो थे उनसे नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने उनकी ये गलतफहमी थी कि राजा राम मोहन रॉय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने विचारों और उद्देश्यों को साकार करने के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा पहले उसका नाम था, आगे चल के वो ब्रह्म समाज बन गया। वह सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वारा लोगों को राजनैतिक उत्थान करना चाहते थे और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना चाहते थे। ऐसे ही 1818 में उन्होंने सती प्रथा के विरोध में एक कड़ा अभियान शुरू किया था, और उन्होंने
सामाजिक जो कुरीतियां थी उसके विरुद्ध में जनमत तैयार करने का भी प्रयास किया था। उन्हीं के प्रयासों से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, उन्होंने शमशानों की यात्राएं की, विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाया, उनको सती ना होने से रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया और सरकार से अपील भी की। इन सब कारणों से कड़े कानून बनाए गए और इन्हीं के योगदानों के द्वारा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। आगे बात कर लेते हैं राजा राममोहन रॉय के बारे में ही। राजा राममोहन रॉय जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के, जो इंग्लिश शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा, उसके प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने 1817 में डेविड हेयर को हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की और स्वयं उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। उन्होंने अपने ही खर्चे पे बहुत सारे स्कूल भी खोले थे। इंग्लिश स्कूल उन्होंने मोस्टली खोले थे, 1817 में उन्होंने खोले थे, और उसमें इंग्लिश जो स्कूल उन्होंने खोले थे उनमें फ्रांस दार्शनिक दांते, रूसो, वोल्टेयर आदि के दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। जो उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में, उसमें पाश्चात्य भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी और उनके प्रयासों से ही उन्होंने बंगाली को समृद्ध बनाने के लिए बंगला के व्याकरण की रचना की थी और बंगाली पद्य का भी निर्माण उनके द्वारा ही किया गया था। बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो उनके द्वारा किए गए थे, ये पूरी लिस्ट है, आप लोग इसको लर्न करेंगे। राजा राममोहन रॉय की विभिन्न भाषाओं में भी बहुत ज़्यादा जानकारी थी, जैसे कि संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी जिनका उन्हें ज्ञान था। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का भी अध्ययन उन्होंने कर रखा था, इसीलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और संपादन भी किया। इनके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते थे, उनके दुखों और कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में राजा राममोहन रॉय ने बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़न कार्रवाई का घोर निंदा की और जो लगान दिया जाने वाला था, अधिकतम मात्रा में जो लगान लिया जाता था, उसको कम करके निर्धारित करने की मांग की गई। उन्होंने वे उच्च सेवाओं के भारतीयकरण के तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के बहुत कट्टर समर्थक भी थे। उन्होंने मुकदमे की सुनवाई जो जूरी प्रथा के माध्यम से करने और भारतीय यूरोपियों के मध्य न्यायिक समानता की भी मांग की थी। आगे इसमें बात कर लेते हैं कि उन्होंने स्पेन, अमेरिका, नेपल्स के जो अभियान हुए थे, स्वतंत्रता के अभियान, उनका समर्थन किया था। जब वे इंग्लैंड में रह रहे थे तो उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहां के किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उसकी घोर निंदा की और घोषणा की कि यदि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है अगर वो गिर गया तो वो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। अनेक जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जैसे कि डेविड हेयर, देवेंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर राव, ताराचंद चक्रवर्ती, अलेक्जेंडर डफ, ये सब उनके प्रमुख समर्थक थे। आगे हम बात कर लेते हैं राधाकांत देव जो थे, वो जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करते थे, राधाकांत देव, और उन समाज ये विरोध करने के फलस्वरूप उन्होंने धर्म सभा का गठन किया था। राजा राममोहन रॉय जो ब्रह्म समाज का गठन किया था वो 1828 में किया था। पहले ब्रह्म सभा नाम था उसका, बाद में उसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि उनके अनुसार कोई भी जो बुक है वो ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसमें एरर ना हो। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं ईश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके जो उद्देश्य या तर्क थे ये वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थे। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया था। उसमें सभा भवन में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी उनके सभा भवन में। धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता और ब्रह्म समाज अपने मतलब पहुंच पे था तो 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पर राजा राममोहन रॉय का निधन हो गया था। आगे बात कर लेते हैं राजा राममोहन रॉय के बारे में ही। तो इनकी मृत्यु के पश्चात इसकी जो बागडोर है ब्रह्म समाज की, वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने
संभाली। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इनका संबंध था तत्व बोधिनी सभा से, जिनका गठन हुआ था 1839 में। और बंगाली भाषा में जो तत्व बोधिनी सभा थी वो एक पत्रिका का संपादन कर दी थी बंगाली भाषा में, वो थी तत्व बोधिनी पत्रिका। आगे धीरे धीरे ब्रह्म समाज की संख्या बढ़ने लगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्विनी कुमार दत्त जैसे प्रमुख विचारक जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े। आगे हम बात करते हैं ब्रह्म समाज में आगे क्या क्या बदलाव हुए। तो 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की गई और उसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर लिया। इन्होंने अपनी कुशलता से केशव चंद्र सेन द्वारा बंगाल में से बाहर, बंगाल में तो इसकी शाखाएं खोली ही गई थी, बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत मुंबई मद्रास और पंजाब में भी कई शाखाएं खोली गईं। और शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण इनके देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद होने लगे। 1865 में केशव चंद्र सेन ने आचार्य की पदवी से उसे बर्खास्त कर दिया गया देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अब 1865 में जब वो बर्खास्त हो गए तो उन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे विधान ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, इस नाम से नई सभा का गठन किया था। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा, मतलब कि नाम इनके बार बार चेंज होते रहते थे। ऐसे ही केशव चंद्र सेन के बारे में एक बड़ा विवाद हुआ था, ये विवाद 1878 में हुआ था और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो बाल विवाह का विरोध करता था उससे उस ऐसा कौन नेता था जो बाल विवाह का विरोध करता था और उसने खुद की पुत्री का विवाह 13 वर्ष की आयु में कर दिया था, तो वो थे केशव चंद्र सेन। उन्होंने अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह बिहार के एक राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया, जिसके कारण उनका विरोध होने लगा। केशव चंद्र सेन तो भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और आगे इसके बात कर लेते हैं, जब पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को धीरे धीरे प्रसारित किया, मतलब कि मद्रास में भी कई ट्रस्ट खोले गए, पंजाब में भी खोले गए, तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट खोले गए और उसको बढ़ावा मिलता गया। और पंजाब में जो दयाल सिंह ट्रस्ट था उसने 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की भी स्थापना की। तो ये सारे फैक्ट्स थे हमारे ब्रह्म समाज और राजा राममोहन रॉय के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के योगदानों के बारे में। तो ब्रह्म समाज ने कई श्रेणियों में योगदान दिए थे, उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध, मतलब कि वो ये नहीं मानते थे कि ईश्वर बहुत सारे हैं, एक ईश्वरवाद की धारणा को में वो विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने प्लस उनकी ब्रह्म समाज ने, यहाँ दोनों पे आएगा, उन्होंने नैतिकता पर बल दिया और कर्म फल में विश्वास रखा, उन्होंने सर्वधर्म स्वभाव पर बल दिया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहा उन्होंने। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों, व्यक्तियों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास रखा और अपने जो कर्म है कर्म कांड पे उन्होंने मेन विश्वास रखा, ब्रह्म समाज के द्वारा रखा गया। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। बंगला और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया ब्रह्म समाज ने। तो ब्रह्म समाज जो है वो अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर उन्होंने प्रहार किया। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। इन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए भी समाज में बहुत सारे कार्य किए, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा हटाने की मांग की, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। ऐसे ही ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा तथा छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया और इस प्रकार ब्रह्म समाज द्वारा जो किए गए कार्य थे वो कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं। उन्होंने समाज को सुधारने की दिशा में बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज मैंने आपको बताया राजा राममोहन रॉय और ब्रह्म समाज के बारे में पूरी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ इनफ होती है, चाहे मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे प्री का पॉइंट ऑफ व्यू हो, यहाँ पूरे आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी इसका पार्ट 5 लेके। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग सक्सेस मंच।